नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज। मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की खास खबरों की तरफ। बहुजन समाज पार्टी ने मनाई छत्रपति साहू जी महाराज की 144वीं जयंती। आज बहुजन समाज पार्टी द्वारा छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती के अवसर पर एक कार्यक्रम रखा गया। इसमें लोकसभा प्रभारी इंजीनियर रमाकांत मुख्य रूप से उपस्थित रहे। यहां पर उपस्थित अतिथियों द्वारा छत्रपति साहू जी महाराज के जीवन पर प्रकाश डाला गया। साथ इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। राय दरबार को बुला करके और एक ऐलान भी किया था, इन लोगों को आरक्षण क्यों दे रहे हो। तो हमारे सभी साथियों ने घोड़े वाला उदाहरण आप लोगों के सामने रख दिया, तो विरोध का स्पष्टीकरण हुआ अपने समय पर, और उन्होंने मनोवाद को चरम सीमा पर होते हुए दी। और समय उन्होंने शिक्षा का अधिकार शूद्र और महिलाओं को दिया। सम्मानित साथियों, महापुरुषों ने सर्व समाज के लिए काम किया है, सर्वजन सुखाए और सर्वजन हिताय के लिए काम किया है, पहचाने। दूसरा, उन्होंने अपने समय पर क्या कार्य किया है उसके बारे में जाने। छत्रपति साहू जी महाराज ने एक ऐसे जमाने में बहुजन समाज पार्टी जिला गुना के तत्वाधान में छत्रपति साहू जी महाराज की 144वीं जयंती मनाई जा रही है। उसमें हमारे लोकसभा प्रभारी माननीय इंजीनियर रमाकांत तिप्पल जी और जिले के समस्त विधानसभा के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए। इसमें क्या कोई मुद्दे लिए जाएंगे? हाँ, छत्रपति साहू जी महाराज ने आज से जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था तब आरक्षण की व्यवस्था अपने रियासत में चालू की थी, तो उस आरक्षण की व्यवस्था आज भी भारत में लागू है। धरनावदा में बच्चों व युवाओं ने बचाई राष्ट्रीय पक्षी मोर की जान। आज सुबह जब बच्चों ने एक मोर को देखा कि वह उड़ने में सक्षम नहीं था, तो गांव में बच्चों ने इस बारे में बताया कि एक मोर घायल अवस्था में है, जो उड़ नहीं सकता। गांव के युवा अमन, कुलदीप, गोपाल, निखिल व बच्चों ने जाकर उसे उठाया, पशु अस्पताल ले गए, जहां उसके पैर में घाव था, जिसे डॉक्टर कालूराम साहू ने पट्टी तथा सीनेरों की सलाह से उपचार दिया और वन विभाग को सूचना देकर उसके संरक्षण में सौंप दिया। इस कार्य को देखते हुए ग्राम पंचायत के सरपंच श्री गोपाल बैरागी ने बच्चों के इस कार्य की सराहना की, साथ ही पशु संरक्षण, वृक्षों के संरक्षण और वृक्षारोपण के लिए प्रेरित भी किया। आदर्श ग्राम भुलाई में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन श्री गोवर्धन जी महाराज की महिमा का वर्णन करते हुए कथा व्यास पंडित श्री आषाढ़ शरण जी महाराज वृंदावन धाम वाले के मुखारविंद श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में बताया गया। इंद्र के अभिमान के भ्रम को दूर करने के लिए तथा भक्तों को कष्ट हरने के लिए भगवान श्री गोवर्धन नाम रखा गया। शब्दों का उच्चारण श्री गोवर्धन महाराज की लीला का वखान किया गया। अपने घर में जो है भगवान की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से, इसी में संतोष रहो और कुछ भी ज्यादा याद ना मत कर। भगवान की कृपा से जितने दिन की हमारी उम्र है उतने दिन हम जीवित रहेंगे, और जितने दिन का अन्न हमारे भाग्य में होगा वह अन्न हमारे लिए प्राप्त होगा। तुम मेरे लिए मेरे मित्र की याद मत दिलाओ। यारे बंधुओं, एक दिन तो ऐसा आया सुदामा जी महाराज के यहाँ पर कि थोड़ा सा धन था, थोड़ा सा पकवान बनाए हुए थे। सुदामा जी महाराज की पत्नी सुशीला देवी ने जैसे ही भोग लगाकर भगवान को I'm
नावदा से हमारे सहयोगी विवेक शर्मा की रिपोर्ट। पिछले तीन दिनों से आमरण अनशन पर बैठे फतेहगढ़ के किसान से मिलने पहुंचे एसडीएम। आपको बता दें कि फतेहगढ़ के चकपारसी खेड़ा के किसान अपनी जमीन पर हुए अतिक्रमण के कारण आमरण अनशन पर बैठा है। यहां पर एसडीएम द्वारा किसान को समझाया गया कि आमरण अनशन खत्म करे, जैसे ही उसकी जमीन का फैसला कोर्ट द्वारा आ जाएगा वैसे ही उसकी जमीन की नप्ती करवा दी जाएगी। वहीं किसान का कहना है कि हाई कोर्ट ने कहा है कि जब तक फैसला नहीं आता तब तक निचली अदालत का फैसला भी लागू रहेगा। सर बताएं क्या आश्वासन दिया आपने? इसका प्रकरण हाई कोर्ट में पिछले थे, अभी 19 तारीख लगी हुई थी, नेक्स्ट तारीख 27 तारीख है। हाई कोर्ट का जो निर्णय होगा, जो निर्णय आएगा उसके अनुसार कार्रवाई करके उनको परिषद लाया जाएगा। जो भी इनके पक्ष में होता है या इनके पक्ष में होता है उसका पूरा प्रशासन फॉलो करेगा। तो ये बोल रहा है कि मैं हाई कोर्ट से जीत के आ गया और अभी वर्तमान में देखा जाए रनिंग में चल रहा है, अभी उन्होंने बताया कागज वो प्रकरण चल रहा है, प्रोसेस में चल रहा है, अभी 27 तारीख लगी हुई है। अगर वो जीत के आते हैं तो क्या कार्रवाई होगी? कब्जा लाया जाएगा, कब्जा दिलाया जाएगा और आगे अगर कोई उन्होंने दोबारा दबाव डाला तो सिविल जल की कार्रवाई है, सिविल जल दूंगा मैं। एसडीएम साहब आश्वासन दे गए हैं कि तुम्हारी एक 20 बीघा जमीन की जो रिट वहाँ भी हाईकोर्ट में, जबकि हाईकोर्ट ने ये डिसीजन दिया था, सिविल कोर्ट का प्रभाव फैसला प्रभावी रहेगा जब तक आगे कोई वो नहीं चलता। इसी आधार पर ये सीमांकन करके आए थे, लेकिन अब इन्होंने बात सारी घुमा दी है। क्या बोल रहे हैं? अब ये कह रहे हैं कि 2 दिन तक तुम्हारा फैसला आ जाता है, वहाँ आने के बाद में वो ले आओ मेरे पास और मैं तुम्हारा सारा काम करवा के आऊँगा। मैं अपने साथियों से सबसे सलाह मशवरा करूँगा। अच्छा अच्छा, सलाह मशवरा करने के बाद में फिर डिसीजन इसके पास हो। आप एसडीएम साहब की बात से सहमत हैं? देखो यदि ये वो सही कह रहे हैं तो शायद माननी पड़ेगी मेरे को, देखूंगा, लेकिन मैं अभी सब देखता हूँ। अपने वकील साहब को बुला के अपने कागज पहले सारे और दिखाता हूँ इनको, जो मेरे सिविल हाई कोर्ट से जो मेरे तुम मुझे जो प्राप्त हुआ है वो मैं इनको दिखाऊंगा। तो आपने कॉलेज एडमिशन में हो रही धांधली के विरोध में छात्र संघ द्वारा दिया गया ज्ञापन। शासकीय पीजी कॉलेज में आज छात्र संगठन डीएसओ द्वारा प्रभारी प्राचार्य को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि शिक्षा विभाग द्वारा छात्रों के साथ धोखा किया जा रहा है। जितनी सीटें पीजी कॉलेज में है उतनी सीटों पर एडमिशन ना देते हुए कम सीटों पर एडमिशन दिया जा रहा है। वहीं कुल कितनी सीटों पर एडमिशन होना है और कितनी सीटों पर एडमिशन नहीं हुआ इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी गई। कॉलेज के प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। ये जो ज्ञापन है अभी जो BA BSc बी एस सी बैकग्राउंड की लिस्ट आई जिसमें बहुत सारे बच्चों के नाम नहीं आ पाए, उस शिक्षा विभाग ने चालाकी करते हुए यहाँ पर आधे से कम सीटों पर नाम दिए। जैसे मान लो 255 सीटें थी BA में, उन्होंने सिर्फ 102 सीटों पर नाम दिया। इस तरह सीटें बचाकर और छात्रों को ये ना बताया कि कितने लोगों का एडमिशन के लिए बाकी है, ये चालाकी करते हुए ताकि आंदोलन ना पनप पाए, इसलिए उन्होंने ये प्रयास किए। लेकिन इसके बावजूद आज हमने छात्रों की संख्या के अनुरूप सीटें बढ़ाने की मांग की है और ये मांग की कि शासन जो योजना चला रही है, कॉलेज चलो अभियान, स्कूल चलो अभियान तो चला रहे हैं, लेकिन जो बच्चे आ रहे हैं एडमिशन लेने के लिए उन्हें एडमिशन नहीं दे रहे हैं, उन्हें एडमिशन दिया जाए इस मांग को लेकर आज आपका ज्ञापन दिया गया। बीजेपी द्वारा विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर रखी गई एक बैठक। आज बीजेपी द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए बैठक रखी गई। इस बैठक में विधानसभा के सभी मंडल अध्यक्ष उपस्थित रहे। लोग पार्षद में गुलाटक हारे, पार्षद बनने में मेरी पार्षद बनाओ, किस तरह की हैसियत का और अपना बखान करते, लेकिन हमारे सहज सरल विधायक माननीय बंदा लाल जी, ऐसी सारी स्थितियाँ कोई हमारे लिए माइनस पॉइंट नहीं है।
लेकिन उनका नाम उसमें नहीं आया। इस बात के लिए कांग्रेस मुद्दा बना रही थी। ये बातें बहुत सोचने की है, जो सीधा अटैक करती है मतदाता के ऊपर। उनका जब हमेशा नाम देते थे कार्ड में, पट्टियों में नाम लगाते थे, तब उनको कोई वो नहीं हुई। लेकिन पहली बार कलेक्टर महोदय ने पूछ के उनसे कि आप आने वाले हैं क्या, उन्होंने अस्वीकृति दे दी, कार्ड में नाम नहीं आया, तो उसको उन्होंने मुद्दा बनाने की बड़ा हो रहा है। उसमें अनुसूचित जनजाति का सम्मेलन था जो कार्यकर्ताओं को, उसको संबोधन किया, फिर अल्पसंख्यकों का संबोधन किया, और फिर एससी का संबोधन किया, और फिर बोले सारे आठ बन गया और मुझे कबूल। हवाई जहाज मिलेगा नहीं, यहाँ से जाऊँगा तो सुबह भी नहीं मिल पाया, क्योंकि यात्रा जो उपाय पाने के कारण मुझे ट्रेन से जाऊँगा। तो आराम नाम की कोई चीज नहीं है इन बड़े बड़े लोगों के दिमाग में, इसलिए हम इतने लोग इकट्ठे यहाँ आके बैठे हैं उनके नाम से और उनके काम से। अगर उनके नाम को हमने नहीं बताया, उनके काम को हमने नहीं बताया, तो ये पक्का मानना कि हम बड़े बड़े धोखा देना, पार्टी को धोखा देना और अपने आप को भी धोखा देना। एक तरफ तो सरकार बारिश के चलते सुरक्षा को लेकर लाख दावे कर रही है, पर दूसरी ओर ये दावे खोखले साबित होते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल पूरा मामला ये है कि मकसूदनगढ़ से सिरोंज सड़क मार्ग को जोड़ने वाली चंदेरी नदी का पुल पिछले कई महीनों से बुरी तरह क्षतिग्रस्त है, फिर भी पुल के ऊपर से निकल रहे हैं बिना रिफाइनरी जाने वाले ट्रक और बसें। हैरान करने वाली बात यह है कि ना ही इसमें कोई ऊपर से जाने वालों को रोकने वाला है और ना ही पुल क्षतिग्रस्त होने की जानकारी देने वाला कोई साइन बोर्ड लगा है। यही कारण है कि बड़े बड़े वाहन आज भी बिना कोई रोक टोक के बिना किसी जानकारी के चंदेरी पुल नदी को पार करते हैं और इन्हें कोई रोकने वाला भी नहीं और ना ही प्रशासन इस ओर कोई ध्यान दे रहा है। चंदेरी नदी पर पुल का कोई सूचना बोर्ड नहीं लगा ताकि राहगीरों को पुल क्षतिग्रस्त होने की जानकारी मिल सके। अगर जल्द ही प्रशासन ने चंदेरी नदी के पुल पर ध्यान नहीं दिया तो हो सकती है कोई बड़ी दुर्घटना। अच्छा, तो ये पुल कब से टूटा हुआ है? ये पुल तो अभी हो गया है, यानी कि 8-9 साल हो गया है। अच्छा, जब से टूटा है, इसकी मरम्मत हो रही खाली पीली। हाँ। और हम भारी वाहन निकलते हैं, बड़े बड़े वाहन, बसें निकलती है। हाँ। आधा आधा घंटा 15-15 मिनट में बसें निकलती है। हाँ। अचानक दुर्घटना हो जाएगी क्योंकि नीचे पुल मतलब फूटा हुआ पड़ा पाए, कट्टी मट्टी बोरी मोरी पड़ी है नीचे, बोरी लग रही है। तो इसमें क्या कीजिए, कट्टी वगैरह क्या सीमेंट वगैरह है क्या मटेरियल? ये सिर्फ मट्टी भरी हुई इसमें। अच्छा अच्छा। मरम तो कभी कोई इसकी मरम्मत भी नहीं हुई? हाँ, एक दो बार हुई थी पर साल बस। अच्छा, दो बार। तो ये कट्टियाँ भर के रखनी थी? कट्टी भर के रख रहा थी अभी। अभी भी बसें ट्रक वगैरह निकलते हैं क्या? निकलते हैं नहीं, अभी तो आधा आधा घंटा में बसें निकलती है, ट्रक तो चल ही रहा है, अब भारी भारी ट्रक ये झांसी वाली कंपनी की ट्रक चले नहीं, वो ज़्यादा निकल रही है। इससे कोई दुर्घटना हो सकती है कभी? दुर्घटना कहीं एक बार तो ट्रक ट्रैक्टर कर गया था, दुर्घटना कैसे? वो आपने देखा होगा अभी पेपर पे समाचार में आया होगा, एक आध महीना पहले ट्रैक्टर कर गिर गया था। मकसूदनगढ़ से हमारे सहयोगी टोनी शाह की रिपोर्ट। बुलंदपुरा में एक कच्चा मकान गिरा। विगत रात्रि बुलंदपुरा में वर्षा के कारण एक कच्चा मकान गिर गया, जिसके कारण मकान में रखा गृहस्थी का पूरा सामान खराब हो गया। वहीं मकान मालिक का कहना है कि मकान के बाहर से निकलने वाली नाली आगे से बंद है, जिसके कारण नाली का पूरा पानी मकान की दीवारों में बैठ गया, इसी कारण मकान गिर गया। गनीमत रही कि मकान के गिरने से कोई जनहानि नहीं हुई। कुटी की समस्या है इनकी, कुटी नहीं आ रही इनकी, सबकी आ रही है, सबके बंद है। उधर पेटी और तो और पंखी का पानी भर रही है, देखो पूरे दे नहीं उड़ गए बिछावे बाबा जी आते चला रहा भाई।
यहाँ पे 3 दिन से रोज परेशान हो रहा है कि अंदर कमरा में पानी भर जाता है, नाली चक्कर में गटर में पानी नहीं जाता, उसके कारण पानी भर जाता है। 3 दिन पूरे बिस्तर मिस्तर खराब आए, पूरा सब गिर गया, पेटी मेटी गिर गई। आज गिर गए? कल 2 दिन पहले गिर गई, फिर रात के हमने सामान वामान हटाया, पास वाले कमरे में चले गए रहने, तो फिर ये गिर गया। जी आज रात के जी गिर गई। अच्छा, किसी को नुकसान तो नहीं हुआ? कुछ नुकसान नहीं हुआ, बस सामान। तुम्हारे घर का सामान का कितना नुकसान हुआ? सामान जी पेटी गिर गई अपनी, कूलर टूट गया। तो अंदाज से जब भी करीबन कितने का? करीबन होगा 25-30 हज़ार नुकसान हो गया। टूट गई। कुटी नहीं मिली थी क्या आपको? कुटी की फार्म की कहते हैं तो मेंबर जी कहता है कि पहले पैसे चाहिए जब फार्म भर। कौन है मेंबर आपको? मेंबर जी राय। कल रात तलैया मोहल्ला में एक युवती पर 2 युवकों द्वारा किया गया जानलेवा हमला, पुलिस द्वारा युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। युवती का कहना है कि आसिफ खान नामक युवक ने उसे बुलाया था। जब युवती वहां पहुंची तो आसिफ के साथ रामबाबू जो कि युवती का पूर्व पति है मौजूद था। दोनों ने युवती पर चाकू से हमला कर दिया। युवती का कहना है कि वह रामबाबू को 4 साल पहले ही छोड़ चुकी है। युवती ने छोड़ने की वजह बताई कि रामबाबू उससे देह व्यापार कराता था, इसी कारण उसने रामबाबू को छोड़ दिया। वहीं पुलिस ने FIR दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। फोन लगाया तो बुलाया तो 5 मिनट तेरे से बात करनी, बोरा चौराहा पे जब मैं आ गई बोरा चौराहा पे गाली गलौज करके और बस मेरे में 2 चाकू मार दिए। कितने बार मारा जब? दो बार मारा चाकू, पहले आसिफ खान ने मारा फिर राम बाबू ने मारा। तो ये राम बाबू कौन है? मेरा घर वाला है, मैंने 4 साल पहले छोड़ दिया, धंधा कराता था मुझसे 4 साल पहले छोड़ दिया। अब मैं गुनाह में रह रही हूँ, किराए से बच्चे को लेकर झाड़ू पोछा करती हूँ, साहब नहीं रहने रहा मुझे। अच्छा, हाँ तो रात में वो और आपके ऊपर राट मार भी मारी है क्या? हाँ, पैर में मारी थी, वो मारा था पाइप मारा था पैर में। हाँ, पुलिस आई थी वहीं मार रहे थे ना, तो वहाँ पर जनता इकट्ठी हुई थी, किसी ने फोन लगाया था तो सोनम मराई थी, बोले भर्ती कर गए थे मेरे को। उनको पकड़ लिया उन लोगों को? अब पता नहीं है सर मेरे को। आपने पुलिस में कंप्लेंट करी? हाँ कर दी, बयान तो ले गए थे वो, रात को ले गए थे, धंधा कराता था सर मुझसे। अच्छा। हाँ मैं नहीं करती थी तो मारपीट करता था, जब से शादी हुई थी ना जब से ही, मतलब वो तो उल्टे सीधे काम करता। क्या नाम उनका? राम बाबू कोरी। और उनका दोस्त कौन है वो? आसिफ खान। अच्छा, वो भी वहीं रहते हैं? जी गुना में रहता, वो अशोकनगर रहता राम बाबू। डीजीएनए न्यूज़ में आज बस इतना ही, कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।